हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी, जो कि है श्रिम्प एंड वेजिटेबल स्किलेट। और ये बहुत ही इजी है बनाना और बहुत क्विक रेसिपी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेजी और श्रिम्प स्किलेट बनाने के लिए हमने लिए हैं थोड़े से श्रिम्प्स। ये वाइल्ड अर्जेंटीना के श्रिम्प्स हैं और ये हैं 600 ग्राम्स। और साथ में हमने लिया है ऑयल, और वेजीज में ली है जुकीनी, बेल पेपर जो हम शिमला मिर्च कहते हैं जिसको, और साथ में ली है ब्रोकली और लहसुन अदरक प्याज, और साथ में जो मसाले हैं उनमें ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, और क्रश्ड जो है वो केनन पेपर है जिसको हम चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। और ये वाले हमने लिए हैं 2 packs, एक पैकेट में 300 ग्राम्स है। तो आप जोन से आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। हमने वाइल्ड अर्जेंटीना श्रिम्प्स लिए हैं। तो फिर अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। ये हमारे श्रिम्प्स जो हैं, इन पे थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसमें डालेंगे, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हसली जरूरत, और ब्लैक पेपर, 1 tablespoon जो है ऑयल, बाद अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ऐसे अच्छे से जो है इन पे लग जाएगा सारा हमारे मसाले। मिनट के लिए इसको छोड़ दें, और उतनी देर में हम अपनी वेजी जो है उसको कुक कर लेते हैं 15 मिनट्स तक। और थोड़ा सा ऑयल आपने पैन में डाल लेना, और अब जो है वो सारी जो हमारी वेजीज जो हैं वो इसमें ऐड कर दें। पहले प्याज डालें, एक साथ ही डाल दें, शिमला मिर्च और ब्रोकली और ज़ुकीनी। आज जो सारा है ना वो ग्रीन ग्रीन स्टफ है। ब्रोकली जो है ये बहुत अच्छी होती है, वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको ये थोड़ा सा भूने, और उसके बाद इस पर डालें ब्लैक पेपर। ये गई है हमारी ब्लैक पेपर, साथ में ज़्यादा सॉल्ट, और ब्रोकली की इतनी अच्छी खुशबू अभी से आना शुरू होगी, इसकी बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस की खुशबू होती है। तकरीबन 5 to 10 minutes तक इसको पका लें। तो अभी इसको ऐसे ही रख लें, कवर कर दें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर इसमें पानी भी ऐड कर लें। वैसे तो खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं वेजीज इसमें, और अब तो वैसे भी हमें आदत हो गई है इस तरह की आधी कच्ची पकी सब्जियां खाने की, तो ये बहुत ही हेल्दी वे है इस तरह से कुक करें। तो अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गली भी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अभी जब तक हमारी वेजी रेडी हो रही है, हम अपने श्रिम्प्स जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। ये बस तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं कम्प्लीटली कुक होने में, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, ये गलने में टाइम नहीं लेते। ये भी हमारी कुक हो रही है, आई डोंट थिंक के पानी डालने की कोई ज़रूरत है इसमें। तो अभी ये तकरीबन कुक हो चुके हैं, जब ये वाइट हो जाए अच्छे से आपको लगे कि ये गल चुके हैं तो तब आप ओवर कुक करने से रबड़ हो जाएगी, इसलिए इसको ओवर कुक ना करें। 3 to 5 मिनट लेते हैं श्रिम्प, तो अगर आपकी हीट पर डिपेंड करता है कि ये 3 मिनट लेंगे या 5 मिनट लेंगे कुक करने पर, इसलिए हम इसको 5-7 मिनट तक लेके जा रहे हैं, अदरवाइज ये 5 मिनट में डन हो जाते हैं।
अगर ज्यादा डालेंगे तो ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, अगर कम डालेंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे। अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं चॉप लहसुन, तो ये एंड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फिर वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, थोड़ा एंड में डालें तो उसका ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, ज़्यादा अच्छा उसका खड़ा खड़ा फ्लेवर आता है। वो बिल्कुल मेल्ट होकर बीच में गायब हो जाएगा, तो हमें जो है वो गार्लिक का टेस्ट पूरा वो उसमें चाहिए। हमारे श्रिम्प्स भी हो चुके हैं कुक, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे हमारी वेजीज में। तो जी हमारी वेजी जो है वो जैसी बिल्कुल हमें चाहिए थी वैसी कुक हो गई है। हाँ, तो अभी इसमें जा रहे हैं श्रिम्प्स। तो ये श्रिम्प्स बिल्कुल फुली कुक्ड हैं, तो वो ये देखें कितने मज़े के, या आप इसको आप खा सकते हैं बॉयल राइस के साथ, और वैसे भी खा सकते हैं आप इसको वैसे खाना चाहें तो, या तो थोड़ा सा इसको अभी हम पकाएंगे उसके बाद हमारी रेसिपी डन है। ये बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है और बड़ी जिसे कह सकते हैं कि हेल्दी रेसिपी है, तो आप इसे घर पे बना खा सकते हैं। तो ये ऐसे भी खाई जा सकती है, अगर आप चाहें तो इसके साथ राइस के साथ इसको खा सकते हैं, या फिर जब आप राइस को दम देते हैं तो तब भी आप इसको उस पर डाल सकते हैं, तो आपके श्रिम्प वाले राइस तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ ये कैसा बना है। उनका अपना मज़ा होता है, जो तो डिफरेंट रेसिपीज होती हैं उनका डिफरेंट के मज़ा होता है, तो बहुत मज़ेदार बना है। और श्रिम्प मुझे भी और बच्चों को बहुत पसंद है, तो वेजिटेबल का बड़ा मज़ा है बीच में, तो बहुत अच्छी बनी है। आप इस तरीके से घर पे बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है, हेल्दी भी है और प्रोटीन है और वेजी हैं जो सेहत के लिए अच्छी हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और घर पे बनाइए, बहुत मज़ेदार है। I'm born in Thailand, that's why I eat seafood. उजील थाईलैंड में पैदा हुआ था। उजी थाई 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 बच्चा है। थाईलैंड में पैदा हुआ था तो। And what about you, Dina? Seafood shop से खाता है, Chinese. I like to eat it. I like to eat shrimps and my noodles. Yeah. It's noodles my favorite food. Okay. I know she loves noodles. She's like, Mom, I want noodles, I want noodles, I want noodles, I want noodles, I want noodles every day. तो noodles में shrimp ये डाल के खाती होती है, इसको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। Can I have noodles with shrimp today? Yeah. Yay. Okay, say bye to everybody. Bye, bye guys. I hope you like today's video that my mom and daddy made shrimp. Bye. And don't forget to like and subscribe. Okay. Bye. Bye. Bye.